कोष्टी साहब, प्रकाश कोष्टी साहब का आए आए आए, हमारे बहुत ही जूने अष्टांग योग के साधक है, नियमित रूप से अष्टांग योग में आते रहते हैं और रिटायर्ड है फ्रॉम रेलवे से, है ना कोष्टी साहब, रेलवे से, और उनकी इच्छा है कि हमेशा यहाँ पे वॉलंटियर करके काम करें, बदलापुर में रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश कोष्टी, हिंदी बोलूंगा नहीं हिंदी, मैं प्रकाश कोष्टी, रिटायरमेंट हो रेलवे से, और सर की मेरी 2016 से पहचान है, मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई, कम से कम मैं सुसाइड करने के लिए चार टाइम गया, चार टाइम वापस भी आया, और बाद में इतनी कंडीशन खराब हुई कि मैं डिप्रेशन भी रहा, फिर ऐसे में सर के पास आए, सर ने हिम्मत दी कि रहा इधर, अच्छा लगा, फर्क पड़ा, और जो निगेटिविटी थी वो कम से कम 50% हो गई, फिर भी अंदर थी, हलचल मच रही थी अंदर, दुनिया कुछ काम के नहीं, कोई काम का नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे मरना है, सब अंदर अंदर चालू था, लेकिन ये आज मालूम हुआ कि ये हलचल ही कौन मचा रहे हैं, औरत के भी बहुत ताने थे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, सरकारी नौकर रहे, तुमको पेंशन है, फिर ऐसा गलत कदम क्यों उठा रहे हो, ऐसा कुछ बात हो गया, बाद में ऐसा करते करते फिर तो मैं घर छोड़ के भी चला गया, फिर ये ढूंढे बैठे थे मेरे को, फिर मैं अपने आप आ गया, आने के बाद में मैं घर नहीं गया, सर को मैं आज बताता हूं, मैं घर नहीं गया, मैं सीधा इधर आया, और सर को बोला मेरे को इधर ही रहना है, पूरी बैग भर के लेके आया और बैग दोस्त के घर में छोड़ दिया, ऐसे आया, और दो तीन दिन के बाद में कपड़े सब गंदे हो गए, अभी क्या करना, अभी तो सर को बताना पड़ेगा, और घर वाले सब परेशान हो गए थे, कहाँ गया आदमी, कहाँ गया आदमी, सब सुन रहे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई, आदमी मिल नहीं रहा थी, और ऐसे में मेरे बहन का फोन आया, बोले भाई उधर ही होएगा बदलापुर पे, तुम जाके उधर देखो, क्योंकि वो हमेशा उधर ही जाते, तो ऐसे ही होगा, वो इधर आए और मैं घर गया, लेकिन पता चला कि भाई इधर ही है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर ऐसा करते करते जरा हिम्मत भी आ गया, आज तो ऐसा हो गया कि मैं पूरा प्रेट हो गया, मेरे दिल में अंदर जो कौन हलचली मचा रहे थे वो तो सब आज क्लियर कर, आज से शाम का टाइम है, सभी के सामने मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी गलत कदम मैं नहीं उठाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, चिल्लाने वाले अंदर है, कौन चिल्ला रहा है ये आज पता चला, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच कोष्टी साहब, आपकी ये आदरणीय बस छूट जाए और आपको ये पता चला कि ये मुझसे कौन करा रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी जीत है आपकी, और बस इसमें ये और यस में बंद चल रहा है, अच्छा मन बोल रहा था ये ठीक नहीं रहेगा, पीछे 20-25 हजार रुपया अभी पता चल गया ना, तो क्यों कर रहा है, सवेरे उठ के फिर मैं बहुत नर्वस, फिर भगवान का पूजा करो, माला जपो, और तो बोलना मैं जा रहा आता हूँ, अभी कोर्स के दौरान तो नहीं किया, अंदर बैठे ये बोलते थे इधर नहीं मिलेगा, वो कोने में मिलेगा, वो उधर राह ही देखता था, अरे तू किधर है यार, लेट हो गए, अरे मैं पैसा नहीं, तेरे को क्या करना, मैं तो उसके अंदर वाले बोल रहे थे, उसको भी मालूम नहीं कि कौन बोल रहा है, मैं वो ये मैं बहुत स्टार्ट कर रहा हूं, अभी स्टेबल है ना, अभी तो प्रण कर लिया ना, पक्का ना, एकदम पक्का, हां आज से शुरू, आज के दिन जो आएगा, हां दूसरे टाइम में सेवा दे, इनका नाम लेंगे वॉलंटियर।
कोशिश और कुछ कहना चाहते हैं आपसे? एक इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया मैं आपको कैसा दिखता हूँ? इनके बदौलत नहीं दिख रहा है, टॉप टू बॉटम डैमेज बॉडी है, पैर फ्रैक्चर है, कमर को पट्टा लगा है, लिवर का ऑपरेशन हो गया है, बायोप्सी, हार्ट का ऑपरेशन हो गया है, ब्रेन को चेचे शॉक दिए है। यहाँ आए इन्होंने ये इनकी बदौलत सब दिख रहा है, नहीं तो ये रौनक चाहिए तो ये सब यहाँ आने से पहले, यहाँ आने से पहले हुआ है ना? अब तो ठीक हो गया, अभी तो एकदम टन नहीं दिख रहा। अभी ये जो चालू हुआ तो आए रिटायर होने के बाद में तो प्रभाकर जी को बोला इधर क्या बन रहा है भाई, बोले झीन हो गए, नाम लिख दो, बोला लिख लो, पैसा नहीं लाया, बोले नाम लिख दे दो, पैसा बाद में दो, बोला ठीक है। तो मैं पूछे भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, है ना सर का है ना, सर के तरफ से हो रहा है ना, तो अच्छा वे आंख बंद करके पैसा भर दिया। और अभी सिगरेट टाइप आने की तैयारी कर रहा आते हैं और वॉलंटियर हैं आपके हमारे संस्था के साथ जुड़े रहे।